धनाधन गाइडलाइंस जारी की जा रही है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को लेकर 15 प्लस के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रफुल श्रीवास्तव ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, आज से देश में 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है कोविन पोर्टल पर और वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। और हम ऐसे ही एक वैक्सीनेशन साइट पर मौजूद हैं, ये दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बना हुआ वैक्सीनेशन साइट है। यहाँ पर कुल 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2 और साइट 3। साइट 1 जो है वो डेडिकेटेड है 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो यहाँ पर टीकाकरण कराने के लिए आएंगे। सरकार का निर्देश था कि क्योंकि जो 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए उनको सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए एंट्री एग्जिट जो है वो अलग से बनाई जाए। लिहाजा ये साइट 1 है जहां पर आरएमएल अस्पताल में बनाया गया है, ये वैक्सीनेशन सेंटर है और इसके लिए ये रास्ता जो है ये अलग से डेडिकेटेड है, यहीं से एंट्री और इसके आगे से एग्जिट है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। 9 बजे से टीकाकरण शुरू होगा और यहाँ पर आप देखें तो इस बात का कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ से है, तो ये तमाम चीज़ें गाइडलाइन जो है यहाँ पर बता दी गई हैं कि जो लोग रजिस्टर करा के आ रहे हैं, जिन्होंने स्लॉट टाइम बुक किया है वो आ सकते हैं। इसके अलावा स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा और तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दे दी गई हैं। तो फिलहाल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जो 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चे हैं उनके टीकाकरण के लिए तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई थी कि एंट्री एग्जिट अलग हो और जो वैक्सीन लगने के बाद जो ऑब्जर्वेशन एरिया होता है जहाँ पर आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है वैक्सीन लगने के बाद, उसको भी अलग से बनाया गया है। तो अंदर तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से कुछ देर में शुरू होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।